श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा प्राचार्य डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देशन में एवं कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र दास सोनवानी के नेतृत्व में आज अंबिकापुर के नमना कला खटीक पारा में जिला प्रशासन द्वारा चलाई जा रही स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मतदाता परिचय पत्र सुधार कार्य आधार कार्ड से लिंक करने का कार्य, नए मतदाता परिचय पत्र बनवाने का कार्य, पार्षद श्री अवधेश सोनकर के घर के पास शिविर लगाकर एपिक कार्ड में सुधार कार्य, आधार कार्ड लिंक, नए मतदाता फॉर्म, मोहल्ले वासियों हेतु सेवा कार्य किया गया। स्वीप के ब्रांड एम्बेसडर सुमन मीन व पूजा विश्वास के द्वारा नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र, आधार कार्ड लिंक एवं परिचय पत्र शुद्धि हेतु फार्म भराया गया। आज इसके मतदाता जागरूकता शिविर में कृष्णा राम चौहान, सहायक प्राध्यापक राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक राहुल यादव, अमन गुप्ता, नवनीत मिंज, संजय सिंह, सुनीता डाली, रिंकी गोलदार, अंकुर बैरागी, सृष्टि सोनी, प्रीशा यादव, खुशी गुप्ता इत्यादि कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते नजर आए। सर का परिचय बता देंगे। मैं देवेंद्र दास सोनवानी, श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी। यहाँ पे क्या हो रहा है? आज यहाँ पे मतदाता जागरूकता स्वीप कार्यक्रम है जिला प्रशासन द्वारा आयोजित। तो आज जो है ये जो वोटर आईडी है उसमें सुधार कार्य किए जा रहे हैं और आधार लिंकअप का कार्य किया जा रहा है। ये कौन सा जगह है? ये नमना कला है और खटीक मोहल्ला है। ये प्रत्येक दिन चलेगा या फिर ये हम लोग देखिए राष्ट्रीय सेवा योजना के जो स्वयंसेवक हैं इनके द्वारा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं और हमारे यहाँ कैंपस एम्बेसडर सुमन मिंज है और पूजा विश्वास जो है स्वीप कार्यक्रम के हैं, इनके संयोजन में ये कार्यक्रम होता है। श्री साई बाबा आदर्श महाविद्यालय के हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव सर के दिशा निर्देशन में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हम लोग जगह का चयन करके वहाँ के लोगों को जो वोटर आईडी है उसका सुधार कार्य, साथ ही आधार कार्ड से लिंकअप का कार्य कराया जा रहा है। हाँ, जब भी छुट्टी के अवसर पे जैसे जिस दिन अवकाश रहे उस दिन अपन ये कार्य कर रहे हैं और कॉलेज में तो काम कर ही रहे हैं।